everyone, I am Ritu Sharma and preparing for banking exams 2023. I hope you all are doing well and I welcome you all to my channel Be Confident. So in this lecture I'm going to teach you about the types of life insurance. Okay, इस वीडियो में सारा नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग, इस वीडियो में ओनली टर्म इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो मैं एक चीज बताती हूँ कि हम लोग अभी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जैसे लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है, हेल्थ का होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है ना, अलग अलग टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें से हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस. और लाइफ इंश्योरेंस में भी कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप है लाइफ इंश्योरेंस के, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान एंड यूलिप प्लान. ठीक है, तो इन तीनों में से भी हम इस वीडियो में टर्म इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस इज द प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू पॉलिसी होल्डर्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे. यही टर्म इंश्योरेंस कहता है ना, टर्म यहाँ पे स्पेसिफिक जो टर्म होता है, इस टर्म मतलब उस खास टाइम के ड्यूरेशन में. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है जिसने क्या किया कि अपनी एक 20 साल की पॉलिसी ले ली है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, उसमें भी उसने टर्म इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस वाला प्लान लिया है. अब एज उनकी है 40 इयर्स और वो चाहते हैं कि 60 इयर्स का मैं जब तक हो जाऊं उस ड्यूरेशन के बीच में मैं अपने आप को फाइनेंशियल लेवल पे प्रोटेक्ट कर लूं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये टर्म इंश्योरेंस ले लिया. अब जो ये 20 इयर्स का ड्यूरेशन है, 40 इयर्स की एज से लेके 60 इयर्स की एज तक जो 20 साल होंगे बीच में, है ना, इस टाइम पीरियड के दौरान पे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो ही उनको डेथ बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि उनको जो भी रिटर्न्स हैं उनके वो मिलेंगे, वरना उनको नहीं मिलेंगे, ठीक है. अब जब हम इसमें क्या, किसी में भी जब हम इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी टाइप का, तो हम पर एक मतलब हक होता है अपन को कि भाई अपन नॉमिनी रख सकते हैं, यानी कि मेरे बाद में, जैसे मैंने अगर कोई पॉलिसी कराई है तो उसमें मतलब मेरे डेथ के बाद में वो पैसा किसको मिलना चाहिए वो हम नॉमिनेट करते हैं, ठीक है. तो मैं कौन हो गई? नॉमिनेटर हो गई, किसी का नाम दूंगी तो वो हो जाएगा, नॉमिनी हो जाएगा, ठीक है, जिसका नाम आप देते हैं कि भाई मेरे डेथ के बाद जो पैसा जिसको मिलना चाहिए वो बंदा, उसको बोलेंगे नॉमिनी. और जो हम पॉलिसी ले रहे हैं, यानी कि मैं ले रही हूँ, तो मैं नॉमिनेटर हो गई, ठीक है. अगर डेथ 60 के बाद 61 की भी एज में अगर हुई तो आपको इस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं होएगा, ठीक है, आपने जितना भी प्रीमियम भरा था वो सब गया, अब आपको वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, यही कहता है टर्म इंश्योरेंस. सो व्हाई पीपल प्रेफर टू टर्म इंश्योरेंस? लोग टर्म इंश्योरेंस को ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? इसका मेन रीजन है कि इसमें ना प्रीमियम रेट बहुत कम होती है और सम अश्योर्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, सिंपल तरीके का एक इंश्योरेंस होता है, ठीक है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है ना. प्रीमियम कम भरना पड़ेगा तो कोई भी इजीली ले सकता है, राइट. अब सम अश्योर्ड क्या है कि भाई जब आपने पॉलिसी ली, क्यों ली, कि भाई मेरी डेथ हो गई तो पीछे जो भी फैमिली है वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे, है ना, उसके लिए ली, तो डेथ होने के बाद में जो भी पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा उसको हम लोग सम एश्योर्ड बोलेंगे. अब इसको सम एश्योर्ड क्यों बोला, इंश्योर्ड क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये लाइफ की पॉलिसी है और लाइफ, एक दिन अगर लाइफ मिली है तो एक दिन उसकी डेथ होनी निश्चित है ना, वो एश्योर्ड है, इसीलिए इसके केस में हम सम एश्योर्ड बोलते हैं, ठीक है. लेकिन गाड़ी के केस में क्या होता है कि गाड़ी चोरी होगी, गाड़ी एक्सीडेंट होगा ही होगा, ये मतलब गारंटी नहीं है कि होगा ही होगा, वो एश्योर्ड नहीं है, तो उसके केस में हम इसको सम इंश्योर्ड बोल सकते हैं, ठीक है.
अब टर्म इंश्योरेंस के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि इसमें ओनली डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब डेथ बेनिफिट्स मतलब जिस ड्यूरेशन के लिए पॉलिसी ली है उसकी उसी ड्यूरेशन में अगर डेथ हो गई तो आपको जो भी आपका पैसा बनता है वो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि उस ड्यूरेशन के मैच्योर होने पे, उस ड्यूरेशन के कंप्लीट होने पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बोला मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक ना बहुत ही प्योर इंश्योरेंस होता है, सिंपल इंश्योरेंस होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें प्रीमियम रेट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, लाइफस्टाइल हैबिट्स जो होती हैं, है ना, कवरेज, टेन्योर, एटसेट्रा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला इरडाई ने नहीं बोला है, बट ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपर्टीज जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई 18 की जो एज होती है अपनी, उसमें अपने को मिनिमम एज में रखा है कि भाई इस टाइम पे अपन को ये पॉलिसी जो होती है ये ले लेनी चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज होता है वो इंश्योरर टू इंश्योरर डिपेंड करता है। यहाँ पे इंश्योरर का क्या मतलब है, RER जो है ये कंपनीज को बोला गया है, ठीक है। सो अलग अलग कंपनीज अलग अलग मैक्सिमम एज देती है, कोई 85 इयर्स तक भी कर लेती है, कोई 70 तक ही करती है, तो कोई 90 तक कर देती है ना। वैसे तो ना टर्म इंश्योरेंस मतलब जितना जल्दी खरीदना चाहो ना तो खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो धीरे धीरे फिर प्रीमियम भी बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप मान लो कोई है ना 35 लाख की कोई पॉलिसी ले रहे हो, ठीक है, अगर आप 40 इयर्स की एज में लोगे तो आपको मे बी मंथली 2000 प्रीमियम भरना पड़े, लेकिन आप यही 35 लाख की पॉलिसी में भी अगर आप 50 इयर्स की एज में ले रहे हो, है ना, तो हो सकता है आपको 2000 की जगह 3000-5000 का मंथली प्रीमियम भरना पड़े, राइट। जो ये टर्म इंश्योरेंस है इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, है ना। अब ये जो टैक्स बेनिफिट्स होते हैं ये किस किस मतलब सेक्शन के अंडर में आते हैं वो मैं बताऊंगी। तो 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन 80C, ठीक है, एक होता है सेक्शन 10D, एक होता है सेक्शन 80D। अब अलग अलग से आराम से पढ़ेंगे। पहला है टैक्स बेनिफिट, टर्म इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C। 80C में क्या होता है कि जो 1.5 लाख तक का जो आपका प्रीमियम होता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है, वो नॉन टैक्सेबल होता है। जैसे कि मान लो कोई टर्म इंश्योरेंस लिया है आपने, ठीक है, जिसकी मंथली प्रीमियम जो है वो 2000 रुपीज है, ठीक है, तो ईयरली कितना हुआ, 2000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24000 हो गए, 24000 रुपये सालाना आप प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है। और तो अब आपको इस 24000 पे, ये आपने प्रीमियम ही तो भरा है, इस 24000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी ना सालाना इनकम 50 लाख का पैकेज आपका है ना, कंपनी किसी को पैकेज मिल रहा है, तो आप किस टैक्स स्लैब में आ गए, आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आ गए, है ना, तो आपको इस 24000 पे 30% देना पड़ता अगर ये टैक्स बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता, पर यहाँ पे है, इसलिए अब आपको इस 24000 पे 30% का जो टैक्स आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपके ये जो टैक्स लैब में आप आते हैं, तो अब आपको नहीं देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C। ओके, अकॉर्डिंग आपको क्या बेनिफिट हुआ एक्चुअल में, 30% ऑफ 24000, है ना, कितना होता है ये 7200 पर ईयर आपने सेव कर लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो आपने कोई 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, अब ये अमाउंट ज्यादा है तो इसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा, है ना, मान लो 15000 मंथली प्रीमियम आप भर रहे हो, ठीक है। अब ये 15000 मंथली के अकॉर्डिंग आपने 12 महीने में यानी कि एक साल में कितना भर दिया, 15000 × 12, 180000 ईयरली प्रीमियम भर रहे हैं आप, ठीक है। अब इस 180000 में से क्या आपको इस पूरे पे टैक्स देना है, नहीं,
टैक्स बेनिफिट अंडर 80 सेक्शन 80 सी क्या कहता है, 1.5 लाख तक का जो प्रीमियम होता है वो नॉन टैक्सेबल है। तो इस 1,80,000 में से जब 1,50,000 है उसको हम निकाल देंगे तो पीछे कितना बचेगा, 30,000। ठीक है, तो 30,000 पे ही अब आपको 30% का जो है क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख पे 30% कितना होता है, 45,000, यानी कि अब 1.5 लाख पे जो 30% देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ेगा, यानी 45,000 सालाना आपने सेव कर लिया। ठीक है, सो इन शॉर्ट सेक्शन 80C क्या कहता है कि आपको 1.5 लाख रुपीस तक का जो प्रीमियम होगा उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्स नहीं भरना है, यानी नॉन टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट सेक्शन अंडर सेक्शन 10D, ठीक है, ये वाला सेक्शन क्या कहता है, अभी जो मैं दो प्लान और पढ़ाऊंगी, यूलिप और एंडोमेंट प्लान, उनमें भी और ये टर्म इंश्योरेंस वाले में भी, इन सब के लिए ही लागू होता है ये टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 10D। ठीक है, अब क्या है कि देखो, मान लो आपकी एज 40 इयर्स है, ठीक है, आपने 20 लाख का कोई इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस लिया है ना 60 साल की एज तक के लिए, यानी कि 20 साल का बीमा कराया है आपने, है ना। अब मान लो कि आपका ना 55 साल की एज में डेथ हो गई, ठीक है, अब आपकी फैमिली को ये पूरे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, डेफिनेटली डेथ बेनिफिट यही होता है ना, 20 लाख का कराया है तो टोटल ये 20 लाख आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब ये जो 20 लाख है इस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये कहता है सेक्शन 10D। अब ये वाली जो चीज है ना, ये एंडोमेंट प्लान और जो हमारा यूलिप प्लान है, मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी इनके बारे में, तो उन पर भी ये लागू होता है कि जो भी, अब टर्म इंश्योरेंस के केस में तो सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है, लेकिन जो एंडोमेंट और जो यूलिप प्लान है उनमें डेथ बेनिफिट तो होता ही है, प्लस जो मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, जो भी टोटल मिलता है उन पर कोई भी टाइप का टैक्स नहीं भरना पड़ता है, ये कहता है सेक्शन 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, अब नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D। अब ये सेक्शन 80D क्या कहता है कि देखो, अगर आपकी एज 60 है ना, 60 साल से कम है, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको 25,000 तक के प्रीमियम पर टैक्स नहीं भरना है, और अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपको 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पे टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, मेनली ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है, बट ठीक है, अंडर सेक्शन 80D है ना, 80D सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी एज 60 से कम है तो 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पे कोई टैक्स नहीं, नॉन टैक्सेबल प्रीमियम होगा, और अगर 60 प्लस एज है तो 50,000 रुपए तक का अगर आप प्रीमियम भरेंगे तो आपको उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड टर्म इंश्योरेंस, है ना, क्यों जरूरत है हमको टर्म इंश्योरेंस की। देखो, जैसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है ना, जैसे अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो गया, अब आपके पीछे वाइफ है ना, उनको उनके लिए भी हेल्प चाहिए कि डेफिनेटली लाइफ में इनकम मैटर करता है, अगर आप एक अकेले हैं इनकम कमाने वाले हैं, अगर आपकी डेथ हो गई तो फिर पीछे घर को कैसे संभाला जाएगा, तो उसके लिए एक अमाउंट जो आपको इस इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है वो आपकी फैमिली को काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग योर एसेट्स। अब मान लो आप लोगों ने कोई होम लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, कोई पर्सनल लोन ले रखे हैं, अगर आप सिंगल पर्सन है इनकम घर पे इनकम सोर्स के लिए, तो उसके बाद में आपकी डेथ के बाद में कौन भरेगा ये लोन्स, कौन भरेगा, है ना, तो जब आप इंश्योरेंस कराएंगे उससे जो अमाउंट आएगा काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, तो आप इन सब को कवर कर सकते हैं। ठीक है, कवर्स रिस्क एसोसिएटेड विद लाइफस्टाइल, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है उसमें डेफिनेटली अगर आप कुछ बीमार बीमार हो गए, किसी भी टाइप की चीज़ हो गई जिससे डेथ हो गई, तो पीछे फिर वही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब इंश्योरेंस में ना एक राइडर होता है, ये वर्ड होता है राइडर। अब ये राइडर का मतलब होता है जो कोई एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन अगर हम किसी पॉलिसी में डलवाते हैं तो हम उसको राइडर बोलते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। देखो आपने कोई 20 लाख का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस कराया, सम एश्योर्ड कितना है 20 लाख रुपए है, ठीक है। इस पे आप 2000 रुपए प्रीमियम भर रहे हैं महीने महीने के हिसाब से, ठीक है, मंथली आप 2000 का प्रीमियम भर रहे हैं। अब आप ये 20 साल की पॉलिसी ले चुके हैं, मतलब 40 इयर्स की एज है आपकी और आप 60 इयर्स की एज तक के लिए पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। अब आपकी इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर ये, मैं जो बता रही हूँ ये राइडर के बारे में बता रही हूँ, है ना, राइडर क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन डलवाना चाहते हैं, जैसे ना कंपनी आपको कहेगी कि अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है ना, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है तो इस केस में आपको जो 2000 मंथली प्रीमियम है उसकी जगह पे आपको 2200 रुपये देने हैं, और इसके बदले में फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी डेथ इस 20 साल में से 15 साल में ही हो गई अगर आपकी डेथ, तो आपकी पॉलिसी को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि ये एक्स्ट्रा प्रीमियम के थ्रू आपका वो पूरा अगला 5 साल भी कवर कर दिया जाएगा, है ना। जैसे ये क्रिटिकल इलनेस का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप बच जाओ, है ना, फोर्थ स्टेज का कोई कैंसर हो गया है तो डेथ हो ही जाएगी, और आप मान लो नहीं भर पा रहे हो, है ना, अगर डेथ हो गई तो इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, आप फिर आप उस पॉलिसी को बंद कर दोगे। सो बेटर है कि आप प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा भर दो, और आगे जाके अगर इस 20 साल के बीच में ही अगर आपकी डेथ हो जाती है तो भी कंपनी आपकी जो है पॉलिसी को बंद नहीं करेगी, बल्कि उसको कंटिन्यू रखेगी, बस आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना होगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है एक्स्ट्रा, इसको बोला है राइडर, तो राइडर को ऐड करवाना, ठीक है। अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं तो आपको उसको खरीदने से पहले ना कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा इंश्योरेंस करने वाले जो भी एक्सपर्टीज होते हैं वो कुछ एडवाइस देते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ें हैं कि सम पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, कि भाई इंश्योरेंस लाइफ कवर कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में जनरली बोलते हैं कि ना आपकी जो भी एक साल की इनकम हो, आपका जो भी सालाना इनकम हो उसका 20 से 25 गुना सम एश्योर्ड करवा लो अपना, ठीक है, मतलब उतने की पॉलिसी आपको करवानी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, सारी कंडीशंस कवर हो जाती हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख का अपन 20 से 25 में 20 गुना ले लेते हैं, तो 5 लाख का 20 गुना कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। अब यानी कि 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, इसमें आपको हर टाइप का बेनिफिट ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट कंपनीज इतना ही करती है। पहला तो ये लाइफ कवर देख लिया कितना करवाना चाहिए, है ना। दूसरा है कि आप जिस कंपनी से पॉलिसी करवा रहे हैं आपको उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना पड़ेगा, है ना। क्लेम सेटलमेंट रेशियो मतलब जितना टोटल क्लेम एक कंपनी को रिसीव होता है उसमें से कंपनी ने कितना क्लेम को सेटल किया है उसका परसेंटेज जो होता है उसको क्लेम सेटलमेंट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग 97%, 98%, 99%, वैसे तो 100% होना चाहिए, बट ठीक है, कुछ परसेंटेज जो पीछे बचते हैं उनके भी कुछ रीजंस होते हैं, वो मैं बताऊंगी आगे। तो 97, 96, 98 ये परसेंटेज जो है होने चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी से आप टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं, ठीक है। अब जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, यानी कि मैंने बताया हुआ है सॉल्वेंसी का मतलब वो क्या होता है कि हर कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि भाई वो अपनी अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको रिकवरी दे सके, है ना। अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर आगे चल के तो करप्ट हो जाएगा, क्या मतलब। सो डेढ़ है ना, 1.5 का सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए उस कंपनी का, ठीक है, जिससे आप पॉलिसी लेने वाले हैं, ठीक है, यानी कि 150%, ठीक है, 150% सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए, ये इरडाई कहता है। कि मान लो एकदम से उसको बहुत सारे क्लेम सेटल करने पड़े कंपनी को, तो फिर वो कैसे करेगी, है ना। तो उस कंपनी को अपना मतलब 150% सॉल्वेंसी रेशियो रखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ये सब क्या किया है, तो आप देखिएगा, मैंने लिखा है 150%, उसको हम कैसे लिखेंगे,
150% हटा के 100, देन मैंने इसको 0 से 0 हटाया तो 15/10, इसको हम काटेंगे 5 से, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3:2 भी बोल सकते हैं, या फिर 15 को हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1.5 हो गया। तो मेरा मतलब, ये समझाने का मतलब बस इतना ही है कि जो मैं 150% बोल रही हूँ और फिर 1.5 भी बोल रही हूँ तो ये होता है ना, 1.5 को हम एज अ रेशियो कितना लिख सकते हैं, 3/2, राइट। अब नेक्स्ट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। ये जो है, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको ये भी देख लेना है कि भाई जो अगर मैं ये राइडर ऐड करवाऊँ कोई भी प्रकार का, तो क्रिटिकल इलनेस अगर होती है राइडर का पॉइंट में, अगर मैं क्रिटिकल इलनेस को कंसिडर करूँ तो मतलब उसमें मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये चीज़ को हमें देख लेना चाहिए, ठीक है। फिर अभी एक नेक्स्ट टर्म होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV, या इसको बोलते हैं आइडियल लाइफ कवर। ये कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो डॉक्टर सोलोमन एस ह्यूबनर, इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अब जो अलग अलग कंपनीज के जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं उन पे ना एक टेबल बनी हुई होती है, उसमें सम एश्योर्ड जो है वो आपको कितना लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये टेबल के अंदर फिर ये कैलकुलेट होती है ह्यूमन लाइफ वैल्यू टोटल। अब ये जो वैल्यू है ये डिपेंड अलग अलग चीज़ों पे करती हैं, जैसे कि ना आपकी एज क्या है, आपके ऊपर लायबिलिटीज़ कितनी हैं, आपकी सालाना इनकम कितनी है, कितना मतलब EMI आप पर चल रहा है ना, उस हिसाब से ये वैल्यू कैलकुलेट होती है। पहले तो ये खुद से कर लेते थे, लेकिन अब क्या होता है कि वेबसाइट्स पे जो है कंपनीज के ऊपर की तरफ वो मतलब कैलकुलेटर लगा होता है, उसके थ्रू आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अपन ने ना ये पढ़ तो लिया, ये हमने जो अभी टर्म इंश्योरेंस पढ़ा है, अब ना आप लोग प्रैक्टिकली एक चीज़ कर सकते हैं, जो मैंने भी किया है एक्चुअली। जब मैंने सर से पढ़ा तो ना सर ने प्रैक्टिकली बताया, वो चीज़ मैंने भी सेम करी है। मैं मतलब चाहती हूँ कि आप लोग भी करें, गूगल पे जाके पॉलिसी बाजार का वेबसाइट ओपन करना, साइन इन करना, नाम और एज वगैरह डाल के उसमें कुछ चीज़ें पूछेंगे आपको, जैसे जैसे जो जो पूछते जाए वैसे वैसे आंसर करते जाना, जैसे सैलरीड हाउसवाइफ हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप ये पूछेंगे, तो जैसे मैंने सैलरीड डाला, फिर ना एनुअल इनकम पूछे जाएगा तो 25 लाख प्लस मैंने डाल दिया, फिर मेरे को एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा, मैंने ग्रेजुएट डाला, फिर आपको स्मोक करते हो कि नहीं करते हो ये पूछा तो मैंने नो डाला, फिर मुझे यहाँ पे ये सजेशन आया कि भाई जो लाइफ कवर है आपको कितने का लेना चाहिए, तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 10 times आपको लेना चाहिए, ऐसा बोला। फिर मैंने ना कंपनी सेलेक्ट की, ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है, उसमें भी टर्म इंश्योरेंस, तो आगे मैंने उसका देखा, इस कंपनी का जो क्लेम सेटल्ड जो किया हुआ है वो 97.9% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके हिसाब से, अब इस डिटेल के हिसाब से ना मुझे सजेस्ट किया कि प्रीमियम जो है मुझे पर मंथ 1,733 रुपये का भरना पड़ेगा, ठीक है। 24 साल मेरी एज है और 60 इयर्स तक जो है 36 साल का तक का जो है मेरे को पर मंथ इस हिसाब से प्रीमियम भरना है, तो टोटल मैंने पे किए मान लो 7.48 लाख, तो ये मैं पे करूंगी और इस पे जो है मुझे 3 करोड़ का इन्होंने लाइफ कवर बताया है, ठीक है। इसमें जो है 3 करोड़ का लाइफ कवर हो जाएगा, ऐसा इसमें बताया है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो टर्म इंश्योरेंस पे, आप लोग ये ज़रूर करके देखिएगा एक बार, आपको ना जो जो पढ़ा है आप लोगों ने ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। सो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंडोमेंट प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी एंड यूलिप प्लान्स मैं पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो देखते रहिए।